कुलुमखा नमस्कार, जय हिंद, जय त्रिपुरा। मेरा नाम संजय है और इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। इंडियन रिएक्शन वो नारो को जोटोनो लामसोगो। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले, हमारे त्रिपुरा के फ्रेंड है, उनकी तरफ से इसका सजेशन आया था। हम भाई भाई आपने इतने ब्यूटीफुल सॉन्ग का सजेशन दिया और वीडियो का टाइटल है पुइला हमजैक मनी न्यू ऑफिशियल कोक ब्रोक सैड म्यूजिक वीडियो। नाम में ही सैड है। तो पिछली बार मैंने जब एक सैड सॉन्ग पे रिएक्शन दिया था तो मैं भी रो पड़ा था। तो आज का वीडियो मैंने इससे पहले देखा नहीं है, तो मैं भी आपके साथ ही रिएक्शन देते टाइम ही देखूंगा। तो वीडियो पे जाने से पहले आप सबसे एक बात कहना चाहूँगा, इनके चैनल को और इनके ओरिजिनल वीडियो को ज़रूर विजिट करिए। इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो करिए। पहले वीडियो देख लेते हैं, बातें उसके बाद में कर लेंगे। लेट स्टार्ट। इनके ओरिजिनल वीडियो का और चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पुइला हम जंग मानिया नो 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 ग इनी हम जंग मानोआ इमांगो नो ग पुइला हम जंग मानिया नो 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 ग इनी हम जंग मानोआ मुक्थांगो माने नंग बोदा बुइनि हाय उंला नंग बोदा बुइनि हाय उंला पुइला हम जंगानिया नो 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 ग। मेल सिंगर की आवाज बहुत ही ब्यूटीफुल है। नो वन की मंगो नो ग मतलब फ्लैशबैक में चल रहा है। नहीं फ्लैशबैक में नहीं है। नीनी हम जाग मना बहुत ही जबरदस्त एक्सप्रेशन थे जो मेल एक्टर है उनके। I think no no one should be cancer no money I think unko cancer hai bai thankha ani जादू खाप
पंश रंखा आनी ओ आनी जादुयो इखा पंश रंखा आनी पुला हम जंगमानिया नो 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 नुग इनिनी हम जंगमानोआ मुख थांगो मन तो फ्रेंड्स ये था सॉन्ग बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही लिमिट से बहुत ज़्यादा सैड था। अभी भी मेरा गला भर के आ रहा है, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ खुद के ऊपर, पर इतनी ब्यूटीफुल स्टोरी थी इस सॉन्ग की कि इस दुनिया में कोई भी इमोशनल हो जाए। पहले बात करूँगा इस सॉन्ग के म्यूज़िक की, बहुत ही ज़बरदस्त म्यूज़िक था इस सॉन्ग का, और जो मेल और फीमेल सॉन्ग सिंगर की आवाज़ है वो मैं किस वर्ड्स में उनकी तारीफ़ करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर दोनों की आवाज़ बहुत ही स्वीट है, बहुत ज़्यादा स्वीट, और उनके आवाज़ में इतना दर्द था, और स्टोरी और सॉन्ग जब साथ में चल रहा था मुझे सॉन्ग के मतलब आधा सॉन्ग ठीक से स्टोरी समझ में नहीं आई। मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम होगा, कि जैसे ये कहे कि मतलब जो फीमेल एक्टर है उनके फैमिली ने उनकी शादी कहीं और फिक्स कर दी हो, जो हमेशा वही प्रॉब्लम होता है, तो उसकी वजह से वो उनको इग्नोर कर रही है। पर वो जैसे सामने आ जाता है उनके, तो वो इग्नोर करने की कोशिश करती है, उनको हर्ट करने की जानबूझ के कोशिश करती है। मुझे इस सॉन्ग में जब पहला हिंट तब मिला जब उन्होंने वो कंघी कर रहे थे और उनके बाल एकदम से बहुत ज़्यादा झड़के उस कंघी में आ गए, तब मुझे ये एहसास हुआ कि आई थिंक उनको कैंसर है। और तब उस वक्त मुझे ये पता चला, मतलब पीछे जो चल रहा था वो स्टोरी के वो जो स्टोरी थी उसको एकदम से मैं कनेक्ट हो गया कि वो क्यों कर रही थी जानबूझ के। और जब जैसे उनकी हालत ख़राब हो जाती है, वो भी उनको बहुत ज़्यादा मिस करने लगती है, वो वाला पल मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल करने वाला था, और वो अभी याद आके मैं फिर से मेरा गला एकदम से भर के आ रहा है, और मैं कभी भी रो सकता हूँ सच में। मैं इस सॉन्ग के मतलब मैं इस सॉन्ग के बारे में बस इतना ही कह सकता हूँ कि नो वर्ड्स, इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग था। जो मेल एक्टर है और फीमेल एक्टर है दोनों की एक्टिंग के लिए भी मेरे पास कोई वर्ड नहीं है कि इतनी ज़बरदस्त उन दोनों की एक्टिंग थी। और जो फाइनल वाला मोमेंट था वहाँ पे एकदम से मेरे आँखों से पानी आ गए, मतलब जो वो जैसे उनका हमेशा शेक हैंड होता है उस टाइप वो करने की कोशिश करती है, वो उसको पता चलता है, वो जो उसके साथ लड़का होता है वो बता देता है कि क्या प्रॉब्लम है और क्यों ऐसा हुआ, और जब वो हॉस्पिटल पहुँचता है वो वाला पल इस सॉन्ग का सबसे इमोशनल करने वाला पल है। और जो फाइनल उनको दिखाया जाता है कि उनके कब्र पे दिखाया जाता है वो वाला, मतलब वहाँ से आगे जब वो दौड़ना स्टार्ट कर देता है हॉस्पिटल की तरफ, वहाँ से पूरा सॉन्ग इतना आपको इमोशनल कर देगा कि आप कितने भी कहे कि सख्त दिल के हो, आपके आँखों में आंसू ज़रूर आएंगे। इस सॉन्ग की स्टोरी और म्यूज़िक, सिंगर की आवाज़, इनकी एक्टिंग, सब कुछ इतना ज़बरदस्त है कि मैं वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता। मैंने ऐसे बहुत ही गिने चुने सॉन्ग है जहाँ पे मैं इतना इमोशनल होता हूँ, और उन सॉन्ग में ये सॉन्ग आई थिंक नंबर एक पे रहेगा हमेशा। बहुत ही ज़बरदस्त सॉन्ग था ये, तो मुझे बहुत पसंद आया। फ्रेंड्स आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे भाई के लिए थैंक यू सो मच, हम भाई आपने ये सॉन्ग को सजेस्ट किया रिएक्शन के लिए, तो जय हिंद फ्रेंड।